Assalamualaikum, this is me, Fia, Food and Flavors. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और क्या हाल चाल है भाई। बहुत गर्मी है और एक अच्छी सी ड्रिंक बनाने का दिल चाह रहा है, तो सोच रही हूँ आपके साथ एक झटपट सी क्विक सी एक ड्रिंक शेयर करें, और क्योंकि मौका भी है और दस्तूर भी है। और जी आम तो आ ही चुके हैं और रॉ मैंगो की ड्रिंक की तो क्या ही बात है। तो आप लोगों के साथ कैरियो का शरबत शेयर करने जा रही है फिया, मेरे साथ रहिएगा। बहुत क्विक सी झटपट सी रेसिपी है कैरियो का शरबत बनाने जा रहे हैं, लेट्स सी। चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं मज़ेदार अपना कैरी का शरबत, जिसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती चलूँ। मैंने ये कम से कम 2 kg के करीब ये कैरियाँ ली हैं और इनको मैं गुठलियों समेत ही मैं डालूँगी, और इसको मैंने इस तरह से स्लाइस में कर लिया है, ठीक है। इसके अलावा मैं इसके अंदर डालने जा रही हूँ 2 cups के करीब जो है शुगर ली है मैंने, चीनी डालूँगी इसके अंदर मैं, और इसके अलावा 1/2 teaspoon सॉल्ट, और इसके अलावा ये लूँगी नमक, ठीक है। चले अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसके अंदर ये सारी कैरियाँ डाल दूँ, ठीक है। ये सारी मैंने इसको काट के रख लिया था, और इसके अंदर मैं 1 jug पानी का डालूँगी। इसको थोड़ा सा मैं फ्लेम को ज़रा हाई कर दूँ, ठीक। और इसके अंदर ये थोड़ा सा 1/2 teaspoon के करीब मैंने ये काला नमक डाला, इसी के अंदर मैंने थोड़ा सा लिटिल बिट सॉल्ट डाला। सॉल्ट डालने के बाद मैं इसके अंदर डालूँगी पहले 1 cup शुगर, ठीक है। ये मैंने सारी डाल दी और इसको अच्छा सा स्टर फ्राई कर दें, इसको करें स्टर फ्राई तो नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए। जब ये बॉयल होने लगेगा तो उसको हम इसको बॉयल इसको पूरा जैसे इसकी जो मेल्ट हो जाएगी सब चीज़ें, और इसके बाद बिल्कुल नरमाहट आ जाएगी इस कैरियों के अंदर, तो फिर उसके बाद हम आपको उसका नेक्स्ट स्टेप शेयर करेंगे, ठीक है। चले अब ये इसको मैंने बॉयल करने रख दिया, जब इसका नेक्स्ट स्टेप आपको फिर उसके बाद शेयर करते हैं। चलिए देखिए हमारा जो ये कैरी का शरबत है इस तरह से बिल्कुल थिकनेस पे आ चुका है। अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी, ब्लेंड करने के बाद आपको फिर मैं दिखाती हूँ किस तरह बनता है। अब ये देखिए मैंने इसकी सारी जो कैरियाँ की जो गुठलियाँ थी इसमें से सारा मैंने निकाल लिया और इसके अंदर डाल दिया, इसलिए मैंने इसके अंदर डाल के इसको पकाया था। और सिर्फ देखिए इसके ओनली कितने इंग्रेडिएंट्स रहे, काला नमक डला, सॉल्ट डला और चीनी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं डला, ठीक है। और अब मैं इसको जो है ब्लेंड करती हूँ, फिर उसके बाद हम आपको शरबत बना के दिखाते हैं। चले जी हमारा मैंगो प्योरी ठंडा भी हो चुका है, मैंने इसको इस तरह बॉटल पे एयर टाइट बॉटल पे रख दिया है, और अब हम बनाएंगे अपना कैरी का शरबत। कैसे बनाते हैं इसके लिए, यही कैरी का पल्प जो है मैंने ये डाला इसके अंदर, डाल दिया, और इसके साथ चिल वाटर हम डालेंगे थोड़ा सा, और अब हम इसके अंदर ये मज़ेदार रिफ्रेशिंग सब किस्म का हमारा कैरी का शरबत तैयार है। चल ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपनी दुआ में फिया को ज़रूर याद रखिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, दिस इज़ मी फिया फूड एंड फ्लेवर्स। अल्लाह हाफिज़।